भाई मेरे सीन में तो ऐसा होता था, सही मेरे को खुद बुला लेते थे, बोलते थे आ जाओ बेटा ऊपर आ जाओ, क्या कर रहे हो ये बस। और पता था कि सी आना ही आना है, या तो सी आना है या तो नहीं। मुझे रिग्रेट नहीं होता मैंने क्यों किया, मुझे होता है कि और करना चाहिए था। तो उनको क्या नाम बोलूं, वो बस ज़ोएब सुधर जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहिल इंतखाब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कॉफ़ी विद अलमनाई। और हर एपिसोड में हम आपकी मुलाकात डिफरेंट अलमनाई से करवाते हैं, उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि उन्होंने ग्रेनिच यूनिवर्सिटी में क्या कुछ किया, उनकी मेमोरीज़ को रिकॉल करते हैं। और आज हमें ज्वाइन किया है ज़ोएब असलम ने, उनको वेलकम करेंगे। ज़ोएब असलम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप कैसे हैं ज़ोएब? सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप प्रोफेशनली क्या कर रहे हैं, और बिज़नेस का आपका हमने सुना, ऑडियंस को भी बताएं, पास आउट होने के बाद आपने बिज़नेस कहाँ तक किया और अभी आप क्या कर रहे हैं, प्रोफेशनली ज़ोएब असलम कौन है? ओके, सो ग्रेनिच से बैचलर्स करने के बाद मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था। इट वाज एन एचआर कंपनी, और एचआर कंपनी पहले पाकिस्तान में रन करते रहे। 2013 ऑनवर्ड्स मैंने मलेशिया में उसका ऑफिस बना लिया। उसके बाद एचआर से एक्सपेंड करके ओवरऑल बिज़नेस सॉल्यूशन में आ गए। अब बिज़नेस सॉल्यूशन में करते करते कुछ पैशन थे उनको मैंने बिज़नेस में कन्वर्ट कर दिया। सो आई हैड अ पैशन फॉर फोटोग्राफी एंड इवेंट्स, तो उसकी एक अलग सेटअप बना लिया। लीडिंग वन ऑफ अ गुड फोटोग्राफी स्टूडियो एज वेल, जो कि किड्स फोटोग्राफी करता है इनफैक्ट, जो मेरे काम से बहुत डिफरेंट है, बट शौक है तो आई डू इट। अदरवाइज़ अभी मैंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 2013 में ऑन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन, और जो कि मैंने उसको 17 में लॉन्च करने के बाद स्लो एंड स्टडी चला रहा हूँ। और दैट बेसिकली वर्क्स ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, स्पेशली फॉर स्किल्स डेवलपमेंट। तो वो थोड़ा सा एचआर रिलेटेड टॉपिक है दैट आई वर्क ऑन, दैट्स अ सेपरेट एंटिटी। तो अभी करंटली ये चल रहा है। चलें ज़बरदस्त, अब जरा ग्रेनिच यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। ज़ोएब आपने किस टर्नियर में पास आउट किया, कौन से प्रोग्राम में आप इनरोल थे? आई वॉज इन BSBA 2009 में मैंने पास आउट किया था। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम राचा। अब जरा मेमोरीज़ की बात करते हैं, आपके कौन से ऐसे मोमेंट्स थे या आज आप मिस करते हैं? हाँ, मैंने उस ड्यूरेशन ये किया था जो आज आपको याद करके हंसी भी आती हो, और शायद आपको ये भी होता है मैंने क्यों कर दिया। नहीं, मुझे रिग्रेट नहीं होता मैंने क्यों किया, मुझे होता है कि और करना चाहिए था। रियली ऐसा क्या था? बिकॉज़ नहीं, ऐसी तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट व्हाट आई मिस मोस्ट अबाउट ग्रेनिच इज़ जो लोग थे, जो हमारे जैसे जो फ्रेंड्स सर्कल था सारा, सब एक साथ एक जगह बैठते थे, किसी को कॉल नहीं करना पड़ता था कि मिल लो। उस वक्त तो सब मिलते ही मिलते थे, कैफेटेरियाज में बैठे हैं, पूल साइड पे बैठे हैं, पार्क एरिया पे बैठे हैं। तो वो वाला जो टाइम है वो बड़ा अमेजिंग होता है, उसमें आपको आप सोच के नहीं चलते कि यार आज अनप्लान्ड चीज़ें होती हैं सबकी सब, तो दैट रियली यू नो वर्क्स आउट रियली वेल। सो वो है बस। ठीक है सर, आप प्रोफेसर्स की बात करते हैं, आपको कौन सा प्रोफेसर ज़्यादा अच्छा लगा? आप समझते थे कि इसने मुझे ऐसा पढ़ाया कि मेरे अंदर ये चेंजेस आए? तो एक होता नहीं है कि आपको पूरी जर्नी में अपने एकेडमिक्स की एक टीचर अच्छा आपको हमेशा याद रहता है, वो कौन था? देखें, आपकी जो जर्नी होती है ना, प्रोफेशनल जर्नी, वो गाड़ी के चार पहियों की तरह होती है। अगर एक भी आउट है तो योर आउट। और चार पहिए तो अपनी जगह, फिर उसका जो इंजन का फंक्शन है, उसका जो इंटीरियर कंफर्ट है, रोल्स रॉयस ऐसे नहीं बिकती। वो जो ब्यूटी बाहर आती है उसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। क्या बात है। सो दैट मीन्स कि कोई एक टीचर का इसमें कमाल नहीं है, इसमें बहुत सारे टीचरों का मिल मिला के कमाल है। और उसके बाद उसकी लीडरशिप का, जो इन सबको अपना विजन देती है और वो आगे पे थ्रू आउट करते हैं। तो जितने भी फैकल्टी के लोगों ने पढ़ाया है वो सब बड़े ज़बरदस्त थे। अगर वो अच्छे नहीं होते ना तो हमें कंट्रोल नहीं कर सकते थे वो। सही, उन्होंने हम जैसों को कंट्रोल किया और एक रॉ प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट बना के निकाला। इट्स वाज अ डिफरेंट गेम। और मज़े की बात ये कि प्रेशर डेवलप करके नहीं, हंसते खेलते पढ़ लिया बस, मतलब बैचलर वाज अमेजिंग। अच्छा चलें, ये तो आपने बता दिया, कोई एक नहीं मतलब नंबर्स ऑफ लाइक ऑल ऑफ देम जिन्होंने आप पे मेहनत की है। ठीक है, बहुत मेहनत। सही है। अच्छा अब मुझे बता दें, अब मैं उनके लिए थैंकफुल हूं, बेचारों ने बड़ी मेहनत की। नहीं, नो डाउट, ये तो होना ही चाहिए, और हम बाद में रियलाइज करते हैं इन चीज़ों को, हमारी सोच बदल जाती है एक्चुअली जब आप स्टूडेंट होते हो, और जब आप प्रोफेशनली चीज़ों को जाते हो तो बड़ा आप वही होते हो, आपका थॉट, आपकी सोच बदल जाती है। वर्स्ट कौन था, किससे डर लगता था कि इनसी क्लास नहीं छोड़नी, इसकी क्लास लेनी है, या ये फेल कर देंगे या मसले हो जाएंगे? एक मैनेजमेंट का कोर्स था, वो जब मैं मिस्टर जफर एम सही थे, वो बड़े स्ट्रिक्ट थे और वो हंसी मजाक नहीं करते थे, सीधी सीधी बस। और पता था कि सी आना ही आना है, कुछ मेहनत कर लो देना ही सी, या तो सी आना है या तो रिपीट है। तो उससे हमें पता होता कि भाई ज़्यादा बात नहीं कर सकते, आपस में भी एक साथ बैठने का फ़ायदा नहीं है, बात नहीं करने से।
तो वो वाला एक बस एक मुझे उनका याद है, बाकी सारे टीचर के साथ चलता। अच्छा, ऐसे टीचर्स के साथ प्रॉब्लम ये कि उनका स्टूडेंट फीडबैक बड़ा ख़राब देते हैं, जो अपने आप को मार्केट में ये मशहूर कर देते हैं ना कि हम सी ग्रेड, जैसे एहसान दुरानी साहब हैं, इनका इनकी इनकी डिक्शनरी में वो भी थे, मैं बच गए उनसे। लेकिन सर ही वॉज द बेस्ट टीचर, मैं खुद उनका स्टूडेंट रह चुका हूँ, ऐसा मैंने उनसे पढ़ी है। आगे बढ़ते हैं, ज़रा आपकी एक्टिविटी को एक्सप्लोर करते हैं। आपने क्या कुछ कैंपस में किया, मतलब क्लास बंक कभी की हो, कभी कुछ ऐसा किया हो कि एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंची हो कि यार जुहेब ने ही कर दिया भाई? मेरे सीन में तो ऐसा होता था, सही मेरे को खुद बुला लेते थे, बोलते थे आ जाओ बेटा ऊपर आ जाओ, क्या कर रहे हो ये। तो ऐसे बहुत सारे हैं। हाँ, नहीं मतलब कुछ करें ताकि हमें इसको, यार वो एक दिन हम वो पूल चेयर नई नई लगी थी तो वहाँ बैठ के पोल डांस हो रहा था, तो सही मेरे बुला लिया क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में। नहीं, मेरे साथ और लोग थे, आपने मतलब सारा प्लान किया, बाद में लोगों को आगे कर दिया, बीच में बाद में नहीं नहीं आई वाज इनिशियली द पार्ट ऑफ इट बट या। अच्छा, समथिंग इज वेरी पर्सनल, ठीक है, जब आप पढ़ते हो तो आपके सराउंडिंग्स में लोग आपको बड़ा अच्छे लगते हैं, आपके दोस्त भी होते हैं, गर्लफ्रेंड्स बनती हैं, मुमन लोगों की बन जाती है, तो आपका कुछ ऐसा सीन रहा आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आई वाज ऑल टाइम मेरी तमाम बहनें बहुत खुश हैं अभी अपने घरों में, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, दे ऑल आर वेरी हैप्पी। अच्छा, अभी आप एक करने जाएंगे तो बाद में जो है ना वो फिर लिटिगेशन वाला मामला दूसरे हो जाएंगे। अच्छा, फिर तो बस सही है। हाँ, देवर लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बड़े सारे और जो हाँ मेरे तो नाम से आप पूछ लें, किसी से भी आप यहाँ के किसी स्टाफ से पूछो, मेरे नाम ही मेरी गर्लफ्रेंड का नाम आपको पहले बताएगा कौन सी। तो बहरहाल वो एक अपना फेज होता है, वो अच्छा टाइम गुजारा है, आई डोंट रिग्रेट दैट टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का टाइम। जो गणेश यूनिवर्सिटी का मुस्तकबिल में हिस्सा बनते हैं, कुछ ख्वाहिश है कुछ करने की यहाँ इस कैंपस में? यार आई वुड डू एनीथिंग फॉर देम, एनीथिंग फॉर देम। मुझे वो गेट वाले बाबा भी अगर मुझे फ़ोन करके कुछ कहेंगे ना तो मैं बोलूँगा सर मैं भी आ रहा हूँ, बिकॉज जो इन्होंने हमें दिया है ना वो उस टाइम पर नहीं समझ आ रही होती, उस टाइम पर समझ आ रहा है देखो गणेश ने अपनी रिस्ट्रिक्शन कर दी, वो रिस्ट्रिक्शन कर दी, ये करो वो करो, लेकिन बाद में समझ आती है यार बहुत, ये तो बहुत अच्छे लोग थे, हमने तो ये वक्त प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया, मुझे वापस आप रिवर्स गेट लगाएं और वापस से मेरे फिर दोबारा टेन्योर स्टार्ट करें, देखें नाउ विल बी डिफरेंट। आपकी बस ये होता है कि जान छूटे ट्रांसक्रिप्ट ने डिग्री लें और पलट के नहीं देखना है, विजन की बात है ना। यस, विजन उस वक्त इतना सा होता है, बिल्कुल सही, जब आप आते हैं विजन तो बल्कि ये होता है, फिर ये विजन को थोड़ा ब्रॉड करते हैं, थोड़ा ब्रॉड करते हैं, एग्जैक्टली ये ब्रॉड करते हैं, हर टीचर अपनी अपनी उसमें इंटेलिजेंस करता है, अपना मैजिक पुट इन करता है, और जो समझने वाले होते हैं वो समझ जाते हैं, बहुत से हम जैसे डीट लोग नहीं समझते हैं, बाद में समझते हैं जब बाहर निकल आते हैं। तो मेरे हिसाब से जो उन्होंने किया इनके लिए, कोई भी सब मिलकर भी पूरा इनका लॉट जितना आज तक निकला सब मिलकर भी इनको पे बैक नहीं कर सकते जो उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए किया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात आपने की। अच्छा, जो हमारा एक राउंड होता है रैपिड रैपिड फायर, उसमें वन वर्ड में आपने पर्सनल, कम ऑन बेबी लेट्स डू इट, और इसमें गणेश का स्टाफ की हम रखते हैं क्योंकि माशाल्लाह सारा स्टाफ यहाँ बड़ा सीनियर है, ये बड़े सीधे लोग हैं यार स्टाफ के। लेकिन मैंने देखा स्टूडेंट आज भी इन्होंने नाम रखे हुए लोगों के, कम्युनिकेशन में होता है इसका नाम ये है एडमिन में ये, आई वाज लाइक बेटा आप इनको ऐसे क्यों बोलता है सर, आपको नहीं पता उसका प्लान, उसका भी अपना ही मतलब। तो आप मुझे बताएं कि आप लोगों ने क्या नाम रखा था, या आप सोचते हैं कि वो अटेंडेंस लेने के लिए कोई आते थे? हाँ, वो एक थे आते थे, बड़े स्वीट हैं वो, मैं आपको नाम देता हूँ ना उनका भी आज तक। सबसे पहले राशिद इकबाल के बारे में आप कमेंट करें, राशिद तो उनको क्या नाम बोलूँ, वो बस जोएब सुधर जाओ, बस ये उनका वर्ड होता था, बस सुधर जाओ सुधर जाओ, दैट्स इट, वो मुझे ही बोलते थे उनको, मैं क्या वर्ड दूँ, वो ऐसे आते थे हर दफा यार तुम ना बस सुधर जाओ, बस वो ये बोलते थे। अच्छा जी, सर रब नवाज के बारे में क्या कहेंगे आप? रब नवाज को ना वो बहुत छोटे से अपने सामने देखा है, एक यंग बॉय आया था हमारे सामने कम्युनिकेशन में, बड़े शराफत से बैठा होता था और हम आके बड़ा उनको प्रेशराइज करते थे, और उसके बाद फिर वो उन्होंने इतना ग्रो किया, बाद में वो फिर हमारे ऊपर हावी हो गए। नवाज वाज लाइक देन एंड आई हैव सीन हिम, हिज मास्टर डन अ लॉट, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। एंड वन वर्ड यू डिस्क्राइब क्या करेंगे आप उनको? नवाज वाज आई डोंट नो क्या बोलना चाहिए, नवाज नाराज ना हो जाए, नवाज मेरा बॉय है। ओके सर, कामरान, सर कामरान इज ऑल्सो वेरी स्वीट यार, इनके वो सर कामरान के लिए वो नहीं है, ना नहीं है इनके मुंह पे, आप कुछ भी कुछ लेकर चले जाएं ये ना नहीं बोलेंगे आपको। अच्छा, बोलेंगे यार नाइस सर एहतेशाम यू आर सेइंग समथिंग अटेंडेंस पॉइंट, नहीं वो सर उस टाइम पे सर एहतेशाम नहीं लेते थे, वो कोई और लेते थे, बट सर एहतेशाम ही बड़े सीधे से अपने काम से काम रखना, उन्होंने कभी भी हमारे पंगों में तो पड़ते ही थे वो, हमें ज्यादा मुंह भी नहीं लगाते थे, जब कोई काम से जाते थे वो काम कर देते थे। सही सही, जमील अहमद एग्जामिनेशन, सर जमील अहमद उस वक्त तो बड़े सख्त थे,
उस वक्त तो सर जमील अहमद को दूसरा नाम देना तो उसका होता था नो नो, जब किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास आप जाने को रिक्वजिशन लेके सर ये आइटम परचेज करना है तो बोलता सॉरी पैसे तो है नहीं अकाउंट तो ये वो वाला है आप कुछ भी काम लेंगे ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, अच्छा ये करना है तो फिर उसके बाद वो थोड़ा बहुत कर देते थे गाइड, बस पहले तो उनका नो था लेकिन एट द एंड फैसिलिटेट कर देते थे। ऑल राइट सर, मुनीर के बारे में क्या कमेंट करें? यार सर मुनीर इज द फर्स्ट पर्सन इन माय एकेडमिक करियर, वो पहले बंदे थे जिन्होंने मेरे फादर को, माय फादर केम फ्रॉम अब्रॉड, मैं यहाँ पे अकेला पढ़ रहा था तो वो आए फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, और वो वाहिद बंदे थे जिन्होंने मेरे फादर से कहा था आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है और ये बहुत एम्बिशियस है, ये बहुत आगे जाएगा, और मैं ये देख रहा था यार मतलब ये क्या हो रहा है, व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट ये गलत स्टूडेंट समझ बैठा है मुझे, बट ही एक्चुअली मेंट इट। अब उनकी वो पॉजिटिव, उनकी वो मेरे बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखने से मेरे अंदर की जो नेगेटिविटी थी वो उस वक्त सप्रेस हो गई और मैंने बोला नहीं यार आई कैन बी गुड ऑल एज वेल, तो उसके बाद फिर मैं लुक फॉरवर्ड, पॉजिटिविटी उनकी पर्सनालिटी से झलकती है मतलब आज भी, मैंने कभी उनको शाउट करते गुस्से में नहीं देखा थ्रू आउट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा लास्ट वर्ड्स अबाउट द वीसी मैम सीमा मुगल के बारे में आप क्या कहेंगे? यार वो आपने अगर किसी की पेशेंस टेस्ट करनी है तो आप उनको देखें, बड़ी पेशेंट है, वेरी काम, वेरी कंपोज। अगर मैं एज एन एंटरप्रेन्योर अगर उनका 10% अचीव कर लेता हूँ आई कैन यू नो डू वंडर्स। और ग्रेनिच में अगर आप ओवरऑल देखें, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर हो, तो जो एक ट्रेन का इंजन इस मैम सीमा और हम सारी बोगियाँ, सारा स्टाफ भी, डायरेक्शन कहाँ किसको लेकर जाना है और सारा एग्जर्शन खुद पे अब्जॉर्ब करके आगे करना है। रिमेंबर 2018 या 17 की बात है, आई वेंट टू मैम सीमा एंड वो एक प्रोजेक्ट था, मैं अपने ये वुमेन का जो प्रोजेक्ट है उसी को मैं जिक्र कर रहा था, मैम गॉट टू नो समहाउ, उनको उनकी इंटेलिजेंस बड़ी अच्छी हुई मैडम, उनको सब पता लग जाता है, तो शी गॉट टू नो, शी कॉल्ड मी अप, उन्होंने बताया, पूछा बेटा क्या कर रहे हो, तो मैंने बताया मैं ये करने जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, जो चीज़ें मुझे उन्होंने बताई वो बहुत अमेजिंग थी और मैंने उसको फिर इंप्लीमेंट किया और उसका वाकई रिजल्ट आया। एंड आई एम सो ग्लैड कि यार देखिए मैं निकल चुका हूँ यहाँ से, पढ़ के जा चुका हूँ, अब मैं यूनिवर्सिटी को कोई फीसेस नहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है, बट स्टिल शी ऑफर्ड कि आपने हमें ग्रेनेट से आपको जो सपोर्ट चाहिए हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको यहाँ पे इवेंट्स कराने हैं, आपको यहाँ पे प्रोग्राम्स करने हैं, आपने वर्कशॉप्स करानी है, मेरी तरफ से आपको खुली छूट है, आप करें यहाँ पे आप वो, और आपको मैं और उससे मिलवा दूंगी, मैं आपको उससे मिलवा दूंगी, हम इसके बोर्ड में इसको डाल देंगे उसमें, तो शी वॉज हेल्पिंग मी आउट विदाउट एनी यू नो पर्सनल मोटिव। तो लाइक यार ये मतलब आप फिर यू नो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप दूसरा जो ना आपके दिल में अपनी जगह बना ले, बिल्कुल ऐसे उनको ये आर्ट बड़ा अच्छा आता है कि किसके दिल में कैसे, आप किसी से भी पूछ लें रैंडमली, एक होता है कि भाई एक टॉप नॉच बंदा है जो टॉप लीडर है, आप कभी उसकी फेस पे बुराई नहीं करेंगे, आप ऑन कैमरा या ऑन स्क्रीन ऑन पेपर कभी भी नहीं, कभी नहीं करेंगे, लेकिन आप कभी ऑफ कैमरा भी बात करेंगे ना या कभी रैंडमली किसी और से रैंडमली बाहर किसी जगह मिले और वहाँ पे वो कभी बुराई मैंने नहीं सुनी उनके बारे में, किसी ने बुराई की वो बोला यार शी इज़ नॉट गुड या वो ऐसी थी, नेवर, शी वाज ऑलवेज सपोर्टिव एंड वेरी केयरिंग। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है सईद साहब के बारे में आप क्या बात है? यार ही वाज वेरी, मैंने सईद साहब को ज़्यादा बोलते हुए नहीं सुना आज तक, वेरी काम एंड कम्पोज। मेरे ख्याल में अगर उनकी लीडरशिप ना हो ना यहाँ पर जिस तरह का उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो ग्रेनेज जो अभी एक ट्रैक पे चल रहा है ना वो ट्रैक से हट जाएगा, तो वो जो ट्रेन की बोगी का ट्रैक है ना वो सही मुगल बिछाते हैं। ऑलराइट जोहेब, आखिरी बात ग्रेनेज के बारे में आप क्या वर्ड कहेंगे, क्या सेंटेंस कहेंगे या क्या स्टेटमेंट जारी करेंगे, इसकी पावर क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है? यार ग्रेनेज की स्ट्रेंथ है इनकी इनकी हार्डशिप, इनकी सिंसेरिटी, जो आपसे कमिट कर रहे हैं एडमिशन के टाइम पे वो डिलीवर कर रहे हैं और उसके बाद भी आपको डिसोन नहीं करते। मैं पहले सोचता था यार दे डोंट केयर फॉर अस, बट नो दे एक्चुअली केयर फॉर अस, मुझे बाद में रियलाइज हुआ। दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दिस ब्यूटीफुल प्रोग्राम टू रिकॉल देयर अलमनाई लाइक पुराने जख्म को कौन सी बताओ। बट द ऑब्जेक्टिव और पर्पस ही यही ना कि आप अपने अलमनाई को भूले नहीं हो, आई नो उनके पोर्ट्रेट भी लगा रहे हो, उनके लिए प्रोग्राम भी कर रहे हो, ऑफ कोर्स बहुत जबरदस्त है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। और ये जो पुरानी मेमोरीज होती है ना ये प्राइसलेस होती हैं, ये इमोशंस, ये हंसी, ये वो चीजें वापस नहीं आ सकती, इसकी कोई प्राइस नहीं। क्या बात है, थैंक यू सो मच जोहेब, हमें बहुत मजा आया और हम आपको गुड लक कहेंगे, आपका बिजनेस और ग्रो करे, आप दोबारा आए और ये आपका सेकंड होम है, आपने यहाँ से पास आउट किया और इस तरह की हम सारे प्रोग्राम्स करते रहेंगे और आपसे सारी बातें करते रहेंगे। आई रियली एंजॉय वो जो आपने
अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स वाला बता रहा ना, मुझे बड़ा मजा आया सुनके। सब बहने हैं, सब बहने, सब सब बहने। होपफुली फिर आपको बात बाद में आपको फिर रिग्रेट नहीं होना चाहिए, सब खुश अपने अपने। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन आपने देखा कि ज़ुहैब असलम ने हमें ज्वाइन किया और उन्होंने बताया कि उनका कितना अच्छा वक्त यूनिवर्सिटी में गुजरा। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।